कैसे पता चला? मेरे को तो क्या है मालूम नहीं था कि गायनोकोमास्टी है। बचपन से मेरे को चेस्ट में फैट तो थी लेकिन मालूम नहीं है कि गायनोकोमास्टी है। लेकिन मैंने अभी जनरली वन वीक पहले यूट्यूब पर वीडियो सर्च किया था तो उसमें मेरे को मालूम पड़ा कि भाई ऐसे भी बीमारी हो सकती है। ओके, आप गायनोकोमास्टी करवाना क्यों चाहते थे? गायनोकोमास्टी करवाना इसलिए चाहता था क्योंकि मैं बाहर की सभी एक्टिविटी, मान लो फ्रेंड सर्कल में मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो उसको क्या टी शर्ट निकाल गए, शर्ट भी निकाल सकते है तो हमको फीमेल की तरह थोड़ा महसूस होता है। शर्ट नहीं निकाल सकते, ऐसा गंदा दिखता है, वैसा दिखता है, थोड़ा वो कोल्ड लगता है। तो ये गायनोकोमास्टी ट्रीटमेंट के लिए आपने डॉक्टर आशुतोष शाह को कैसे सुना? उसमें क्या है, मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा था उसका, उसमें डॉक्टर आशुतोष भी थे और डॉक्टर चेतन भी थे। सभी का मैंने नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर तो लिया था लेकिन पहले मैंने चेतन सर को कॉल किया। बरोबर, तो उसने मेरे को किया कुछ बातें, तुम आ जाओ बिंदास आओ, मैं तुमको समझाता हूँ ये क्या है क्या नहीं है। बाद में हम डॉक्टर आशुतोष से मिलेंगे, उससे भी सलाह ले ले। ओके, और आपको अपॉइंटमेंट आराम से मिल चुकी थी? हाँ, आराम से मिल चुकी। मैंने मान लो कि अगले दिन कॉल किया था तो इधर क्लिनिक में किसी भी स्टाफ वाले ने रिसीव करके मेरे को बोल दिया कि कुछ बात नहीं, कल सुबह आप आ सकते हो। ओके, तो जैसे आपने गायनेकोमेस्टिया कंसल्ट के लिए डेट तो मिल चुकी थी, तो वो कंसल्टिंग का टाइमिंग कितना रहा था? मालूम ना, समथिंग 20-25 मिनट तक का तो रही होगा क्योंकि मेरे को मालूम तो था कि गायनोकोमास्टी में क्या होता है क्या नहीं। मैंने यूट्यूब पर वीडियो तो सब भी सर्च किया था, मेरे को नॉलेज था। लेकिन सर को मैंने बताया फिर भी उसने मेरे को पहले से सब डिटेल में समझाया। ओके, जैसे वो पूरा आधा घंटे का आपका कंसल्टिंग रहा तो पूरे डाउट जो भी थे वो क्लियर हो चुके थे? हाँ, ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके। सर्जरी से पहले जो भी कुछ केयर लेनी थी आपको बराबर से यहाँ से समझाया गया था? हाँ, डॉक्टर आशुतोष ने मेरे को सब भी पहले से लास्ट तक का सभी मूवमेंट ठीक से समझा दिया था। सर्जरी का दिन का माहौल आप बताएंगे कैसा रहा? आप सुबह में तो अर्ली मॉर्निंग आया था, 8 बजे, थोड़ा नर्वस था लेकिन धीरे धीरे स्टाफ आने लगे, डॉक्टर चेतन आए, डॉक्टर आशुतोष तो पहले से ही थे। उसने मेरे को संभाला, बोला कि कुछ टेंशन वेंशन मत ले, हो जाएगा ऑपरेशन, अभी 2-3 कलाक की तुम्हारी सर्जरी है और तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और वो तो वैसा ही हुआ क्योंकि सर्जरी में मैं गया तो बेबानी कर दिया था मेरे को। तो जैसे आप सर्जरी के बाद जैसे रूम में आए तो पूरे स्टाफ ने आपकी केयर कैसे ली थी? मानो 5-5 मिनट में आते थे सभी स्टाफ, कभी आशुतोष सर आते थे, कभी चेतन सर आते थे और ऑलमोस्ट स्टाफ कभी आता है, मेरे को पूछता था कैसा है सर आपको तकलीफ है कुछ। ओके, डिस्चार्ज के बाद जैसे आप यहाँ से गए क्लिनिक से तो उसके बाद पूरे स्टाफ ने या फिर डॉक्टर्स की ओर से कैसी केयर ले ली थी आपके लिए? मान सकते हो कि एक दिन में एक बार तो कॉल आता था मेरे पास कि सर क्या आपको दिक्कत है कुछ प्रॉब्लम रूम में, चेस्ट पे कुछ पेन में हो रहा है, आप सही तरह से खाना खा रहे हो, सभी तरह की केयर लेते थे। ओके, जैसे बात करते हैं कि माइंड में ज्यादातर कुछ सवाल थे कि पेन हो सकता था, तकलीफ हो सकती, साइड इफेक्ट हो सकता था, तो मैं जान सकता हूँ अभी तक आपको ऐसा कुछ फीलिंग हुई नहीं? अभी तक तो मैं को ऐसा कुछ फीलिंग नहीं हुआ। ओके, आप पहले गायनेकोमेस्टर लेकर घूम रहे थे और अभी आप सर्जरी के बाद कैसा फील कर रहे हो? अभी तो क्या है सबसे अच्छा दिन मेरा है ऐसा मेरे को लगता है। ओके, डॉक्टर आशुतोष सर वैसे गायनेकोमेस्टिया के अलावा हेयर ट्रांसप्लांट, लाइपोसक्शन, ब्रेस्ट सर्जरी, राइनोप्लास्टी, बहुत सारी ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भी कोई भी ट्रीटमेंट कॉस्मेटिक करना चाहते हैं तो किसी को सजेस्ट करना चाहोगे? करेंगे, सही में करेंगे क्योंकि इसमें 100% रिजल्ट मिलता है तो करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। ओके, डॉक्टर आशुतोष शाह का नेचर, स्टाफ का नेचर और यहाँ का एनवायरनमेंट के बारे में बताएंगे किस तरह? सबका नेचर बहुत फाइन था, इधर हमको घर जैसे ही फीलिंग आ रही थी, ऐसा नहीं लगता था कि भाई हमको इधर अनकम्फर्टेबल लगता है, वैसा कुछ नहीं था, सबका जैसा ही माहौल था। ओके, आप डॉक्टर आशुतोष शाह एलिगेंस टीम और एलिगेंस क्लिनिक का 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहोगे? मैं तो 5 का 5 देना चाहता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर।